फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद जायका। आज हम आए हैं राजस्थान के प्राचीनतम शहरों में से एक श्री नाथद्वारा और आज मैं आपको नाथद्वारा के फेमस जायकों के बारे में बताऊंगा। जब कभी भी आपका नाथद्वारा आना हो तो आप इन जायकों का लुत्फ ले सकें और आनंद ले सकें। आश्रेका कितने में? 10 रुपये। गहलोत साहब करीब करीब 8 से 10 बार मेरे यहाँ चाय पीने पधार चुके हैं। 8 से 10 बार तो मतलब जब भी दर्शन के लिए यहाँ पधारते हैं जी, वो यहाँ मेरे यहाँ चाय पीते हैं और उनका अच्छा स्नेह है। अच्छा। और कहते हैं कि हम पंडित के यहाँ ही चाय पियेंगे। अच्छा। पूरी केसर डल चुकी है। जी बाद में जो बचे वो मैं खाता हूँ। नहीं तो होम मिनिस्टर खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे, ये क्या चक्कर है? नहीं यही है बात है ना, पहले वो खा लेती है बाद में ये। अच्छा, वो आपको मतलब पूरा बताएंगे कि टेस्ट कैसा है क्या है? घर में भी ऐसा ही रहता है। अच्छा, घर में भी ऐसा ही रहता है। आज मैं आपको लेके आया हूँ नाथद्वारा के सबसे फेमस जायकों के लिए और मैं आज खड़ा हूँ ये पुदीने की चाय वालों के यहाँ जो कि बहुत ही फेमस है। और घनश्याम पुरोहित जी, तो क्या वाक्य रहा था कि जो आपने अशोक गहलोत जी को चाय पिलाई, कैसे क्या रहा उनका और कितनी बार यहाँ आपके? गहलोत साहब करीब करीब 8 से 10 बार मेरे यहाँ चाय पीने पधार चुके हैं। 8 से 10 बार तो मतलब जब भी दर्शन के लिए यहाँ पधारते हैं जी, वो यहाँ मेरे यहाँ चाय पीते हैं और उनका अच्छा स्नेह है। अच्छा। और कहते हैं कि हम पंडित के यहाँ चाय 9 बजे तक लारी लगती है। 9 बजे तक लारी लगती है। तो क्या खास है कि जो मतलब बड़े से बड़े लोग और छोटे से छोटे लोग आपके यहाँ इस स्टॉल पे आते हैं? सब आप लोगों का स्नेह है सर। अच्छा। दिल से बना के पिलाते हैं। हाँ। और अच्छी भी पिलाते हैं तो लोग याद करते हैं। अच्छा। वैसे हमारे यहाँ सभी, जैसे गहलोत साहब तो ही है और भी केंद्रीय मंत्री भी हमारे यहाँ चाय पी चुके हैं। अच्छा। जो भी यहाँ पधारते हैं तो हमको सेवा का मौका मिलता है। हाँ। और हम लोग यहाँ सेवा देते हैं। अच्छा। ऐसा फेमस है कि मूछों वाले जी, मूछे भी चाय वाले भाई साहब। बिल्कुल सही बात है। अभी छोटी कर दी, क्या चक्कर है? कुछ सामाजिक कार्यक्रम जो हमारे घर में किसी की डेथ हुई थी। अच्छा अच्छा। तो उससे हमको जो है मूछ छोटी करनी पड़ी। तो मूछ आपको थोड़े टाइम बाद वही मिलेगी आपको पुराने वाले स्टाइल में सर, ये पक्का वादा है इनका। हाँ। पुराने स्टाइल में, लेकिन अभी आप हमारे को चाय पिलाइए। जरूर। क्या खास रहती है आपकी चाय में? केसर डालती है? चाय में केसर डालते हैं। अच्छा। अदरक इलायची मसाला वगैरह सभी डालते हैं। कितने तरह के मसाले यूज करते हैं? मसाले करीब करीब चाय में 10 प्रकार के मसाले पड़ते हैं। 10 प्रकार के मसाले पड़ते हैं सर। पूरी केसर डल चुकी है मेरे हाथ में केसर की चाय, लेमन ग्रास पुदीना वाली चाय। और आपको बताते हैं इसको कैसा जायका है इसका। बहुत ही बढ़िया चाय, लाइफ में मैंने ऐसी चाय नहीं पी। हो सकता है इनके, और ये बात सत्य है कि इनके हाथ में जादू है, भी जगह काफ़ी जगह चाय पी लेकिन ऐसी चाय आज तक मैंने नहीं पी। बहुत ही बढ़िया स्वाद है। तो जब भी आपका नाथद्वारा आना हो, ये क्या कहलाती है वैसे? ये सरफा बाजार में माया मॉर्निंग डिजिटल। ये इनके लड़के हैं जो
इन्होंने गद्दी संभाल रखी है आजकल, और भाई साहब रहते नहीं है। तो क्या नाम है भैया आपका? लोकेश पुरोहित। लोकेश पुरोहित, तो कभी भाई साहब नहीं मिले तो इनके सुपुत्र हैं लोकेश पुरोहित जी, ये दोनों आपको दोनों में से कोई ना कोई मिलेंगे, और इसी जगह लगाते भैया? हाँ, सिल्वर पैलेस के। तो आज के लिए बस इतना ही, मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा नाथद्वारा के फेमस जायकों के बारे में। अभी और भी बहुत कुछ जायके हैं नाथद्वारा में, और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे नए नए वीडियोज़, नए नए तरह के जायके आप तक पहुँचाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।